हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में, जिसका हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट साइड और टॉप निकालने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिगर की तरफ ध्यान देते हैं। तो अपने लोग को फ्रंट इधर दिया गया, साइड इधर और टॉप तो ये है। तो जब हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। जब हम लोग साइड से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। और जब टॉप से देखेंगे तो ये पूरा दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना रिफरेंस लाइन बना लेते हैं। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता आया हूँ, इस दोनों का डिस्टेंस रहता है 10 mm और इसका भी डिस्टेंस 10 mm, इसका भी डिस्टेंस 10 mm। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना फ्रंट बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में अपना हाइट देखेंगे तो ये पार्ट दिखता है और ये पार्ट दिखता है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है, 20 mm, और इसका हाइट है 20 mm। क्योंकि ये प्लेन है, ये मुझे फ्रंट से नहीं दिखेगा, तो 20 20 अपना हाइट हो गया 40 mm। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 40 तक नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 40 यहाँ तक आता है, तो हम लोग यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसका ड्रॉ हो गया। जब हम लोग को अब इसका लेंथ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट दिखेगा और ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक हमको दिखेगा इसका कितना है, 40 mm और इसका 40 mm। तो कितना हो जाएगा लेंथ, 80 mm। तो हम लोग यहाँ से 80 mm पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ तक आता है। उसके बाद इसको हम लोग सिंपल सा ऊपर मिला देंगे तो कुछ ऐसा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm ऊपर लेंगे। तो हम लोग 20 mm ऊपर लेते हैं, तो यहाँ तक आता है और इसका लेंथ कितना है, 40 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 40 mm मेजर कर लेंगे और यहाँ से 20 mm ऊपर, तो 20 mm यहाँ तक आता है। और उसके बाद इसको सिंपल सा मिला देंगे, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर फिर एक 20 mm का बनेगा, जो तो मेरा ऑलरेडी 20 हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए इधर से कितना उठा हुआ है, 20, क्योंकि मुझे ये पार्ट भी दिख रहा है। इधर से हम लोग 20 उठा लेंगे, तो 20 यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको 25 अंदर ले लेंगे। तो हम लोग 25 अंदर लेते हैं, तो यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा इसको ऊपर मिला देंगे, ये वाला पार्ट, और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये मेरा फ्रंट तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसका साइड बनाते हैं। तो साइड का डायमेंशन कितना हो जाएगा, हाइट तो रहेगा उतना ही 40, तो हम लोग यहाँ से 40 मेजर कर लेंगे, तो 40 यहाँ तक आएगा, ठीक है। और इसका लेंथ हो जाएगा 25 25 50। तो हम लोग यहाँ तक 50 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये कुछ यहाँ तक आता है। उसके बाद इसको ऊपर मिला देंगे सिंपल सा, तो ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से 25 मेजर करेंगे, इस साइड से 25, ये वाला 25, तो 25 यहाँ तक आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 25 मेजर करने के बाद 20 ऊपर उठा देंगे। तो हम लोग जब 20 ऊपर उठाते हैं तो ये यहाँ तक आता है। उसके बाद इधर इसको मिला देंगे, ठीक है, ये बॉक्स बन चुका है। और ऊपर का भी बॉक्स इतना ही है, 20 ही। तो हम लोग ऊपर भी ऐसे मिला देंगे चारों साइड से, तो इस टाइप का एक बॉक्स बन जाएगा, अब ये दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका डायमेंशन दिया गया 20, तो 20 ऊपर कर लेंगे। तो इस साइड से जब हम लोग 20 ऊपर करते हैं तो यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं 15 अंदर गया है, इसका डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से 15 अंदर ले लेंगे। जब 15 अंदर लेंगे तो यहाँ तक 15 है मेरा, ठीक। उसके बाद इसको ऊपर मिला देंगे और इसके बाद इसको भी इधर मिला देंगे, तो मेरा कुछ साइड इस टाइप का बन जाएगा। अब हम लोग इसका प्लान या टॉप बनाते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ,
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मेरा जिस साइड फ्रंट है उस साइड फ्रंट बनेगा, जिस साइड मेरा साइड है उस साइड साइड बनेगा रिफरेंस लाइन के नीचे, और हमेशा फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है। तो ये मेरा फ्रंट है, अब हम इसके ऊपर टॉप बनाएंगे। तो टॉप का लेंथ कितना हो जाएगा, जो लेंथ इसका रहेगा तो इसका लेंथ कितना है 40 40, तो 40 40 मेरा हो गया 80। तो यहाँ से हम 80 मेजर कर लेंगे, तो 80 मेरा कुछ यहाँ तक आता है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी इसका हाइट हो जाएगा आपको, ये हो गया 35 और ये हो गया 15। तो इसका हाइट हो गया आपको, तो इसका हाइट हो जाएगा आपको 50। तो यहाँ से 50 ऊपर ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ से 50 कैसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद इधर भी हम लोग मिला देंगे 50 पे। तो अपने लोग को कुछ एक ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब ये बॉक्स बन जाएगा तो अपने लोग क्या करना है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो यहाँ से नीचे से 15 लेना है। तो मैं नीचे से 15 ले लेता हूँ, तो 15 यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 40। तो जैसे इसलिए ये लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ 40 है, तो हम लोग इधर से 40 ले लेंगे। तो 40 कुछ यहाँ तक आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, 40 लेने के बाद देखिए इसका हाइट कितना है 55, तो सॉरी 35। तो यहाँ से मेरा 35 यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका लेंथ कितना है 55, तो हम लोग इधर 55 ले लेंगे। तो इधर से 55 यहाँ तक आता है कुछ, यहाँ तक आता है 55, यहाँ तक मेरा आता है 55, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद देखिए इधर है, ये भी पार्ट दिख रहा है, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 25, इसका लेंथ है 25, तो इसका भी लेंथ है 25। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 25 यहाँ से नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 25 नीचे कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब अपने लोग को ये वाला भी पोर्शन दिख रहा है, तो इसका लेंथ है 25, देखिए इसका लेंथ कितना है, तो 25। तो हम लोग यहाँ से 25 मेजर कर लेंगे, तो यहाँ तक मेरा 25 आता है, ठीक है। 25 मेजर करने के बाद हम लोग 25 इधर था, तो हम लोग 25 इधर कर दिए। अब ये 20 इधर भी है, तो 20 ये भी है, तो सॉरी 25, तो 25 हम लोग नीचे भी कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा इस टाइप का एक बॉक्स बन जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हल्की लाइन से इसको इधर तक ले जाएंगे, ठीक है। और इधर से भी हल्की लाइन ऊपर करेंगे, और इस दोनों को टच करना है। तो इस टाइप का मेरा ये बॉक्स बन जाएगा, या और ये जो है यहाँ पे भी एक लाइन होगा 40 पे, और मैं इसको इधर मिला देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका डायमेंशनिंग करता हूँ, तो देखिए इसका डायमेंशन कितना है 25, तो हम लोग यहाँ 25 लिख देंगे, और इसका भी डायमेंशन 25, तो हम लोग यहाँ 25 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में इसका डायमेंशन कितना है 40 mm, तो हम लोग यहाँ 40 मेजर यानी लिख देंगे। और देखिए अब क्या हुआ, इसका यहाँ से यहाँ तक का टोटल डायमेंशन है 40 mm, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन यानी यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना है 25 mm, तो 25 mm हम यहाँ लिख देंगे। और ये वाला डायमेंशन 15 mm, यहाँ जो देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे 15 mm लिख देंगे, ठीक है। तो अब इधर देखिए आप लोग, इसका डायमेंशन है ये, इसका डायमेंशन कितना है 20 mm, तो ये 20 यहाँ आ जाएगा और ये 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ चलिए अपने लोग आप टॉप व्यू में चलते हैं, तो टॉप व्यू में ये 15 mm है, ठीक है। ये वाला जो मेरा है 15 mm, तो हम लोग यहाँ 15 mm लिख देंगे। और ये वाला कितना है 35, तो हम लोग यहाँ 35 लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला डायमेंशन मेरा कितना है 55 mm, तो हम लोग यहाँ 55 लिख देंगे। और ये वाला डायमेंशन मेरा कितना है 25 mm, तो यहाँ 25 लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी शिकायत और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा।